हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं आज के लिए। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 और पेज नंबर 60 पे है ये। सब लोग टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 पे आ जाओ, मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ। नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉसेज इक्वली मतलब 1:1, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली बांटना है, 1:1 में शेयर करना है। चलो शुरू करते हैं। ये सब में हमको सिर्फ क्या बनाने बोला है, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बनाने बोला है। ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा नहीं दिया है, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ ही बनाएंगे। सॉरी, हम ये तीन चीज़ ही बनाएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लैंड बिल्डिंग असेट, अब लैंड बिल्डिंग पे एडिशन बोला है तो वापस स्प्लिट अप हो जाएगा, अब एडजस्टमेंट में आएगा तब मैं बताता हूँ। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फर्नीचर असेट, डेटर असेट, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10% बैंक लोन हिडन एडजस्टमेंट है, 30,000 पे 10% इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर बोला है 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, 30,000 इंटू 10% 3,000 आएगा, 3,000 का आधा क्योंकि 6 महीना लेना है, 3,000 इंटू 6/12 कैंसिल करोगे 3,000/2 आएगा, आंसर 1,500 आएगा। 1,500 का दो इफेक्ट, एक तो बैंक लोन में जाके प्लस करना, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिखना, होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट में अमाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया है, इन्फॉर्मेशन है, एक ही इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जाके लिख देना। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, अब 15 मंथ्स अभी अपने को 12 महीने का ही भरना चाहिए था, 15 महीना भरा है, 3 महीने का ज़्यादा भरा है, मतलब प्रीपेड लेस और असेट जो भी अमाउंट दिया है उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 15, अमाउंट कितना दिया है इंश्योरेंस का, 15,000 दिया है, तो 15,000 डिवाइड बाई 15 1,000 आएगा, 3 मंथ्स का हमने प्रीपेड एडवांस भरा है, 1,000 इंटू 3 दैट वुड बी 3,000 इंश्योरेंस से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट असेट में जाएगा, इंश्योरेंस से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट असेट में जाएगा। नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बोला है 10%, 4,500 आएगा, लैंड बिल्डिंग से माइनस करना, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिखना। फर्नीचर पे 5% बोला है, अब फर्नीचर पे 5% बोला है, 2,000 आएगा, 2,000 का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिखना। अब तुम देखोगे एडजस्टमेंट में अपने को क्या बोला था, डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग पे, और ट्रायल बैलेंस में तुम देखोगे एडिशन ऑफ 20,000 दिया था, एडिशन ऑफ 20,000, तो इसका स्प्लिट अप हो जाएगा। कैसे स्प्लिट करोगे इसको, 50,000 साल के अंत में था, अब साल के बीच में बोल रहे कितने का खरीदा, 20,000 का खरीदा, तो 50,000 आएगा, स्प्लिट अप करोगे ओपनिंग और परचेस, परचेस 20,000 का किया है तो ओपनिंग में 30,000 होगा, ओपनिंग में 30 होगा क्योंकि 30-20 मिला के 50 टोटल आया है, तो 50 टोटल है क्लोजिंग वैल्यू, परचेस 20 का किया है तो 50-20 करोगे 30,000 ओपनिंग आएगा, 30,000 ओपनिंग पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा और 20,000 पे खाली 9 मंथ्स का आएगा क्योंकि जुलाई बोला है, तो 20,000 पे 9 मंथ्स का फाइन करना और 30,000 पे फुल 12 मंथ्स का फाइन करना, कितना 5% से दोनों को ऐड अप करना, जो भी वैल्यू आएगा दैट वुड बी 4,500 लैंड बिल्डिंग से माइनस करना, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिख देना। दोनों ऐड करना है, ओपनिंग वाला भी और परचेज वाला भी, ओपनिंग 30,000 है उस पर 5% निकालना और 20,000 पे 5% इंटू 9/12 दोनों को प्लस करना, आंसर वुड बी 4,500। नेक्स्ट है 1,000 बैड डेब्ट बोला है, डेटर से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टेबल में जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स में जाके लिखना होगा। नेक्स्ट आगे RDD बोला है, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस करना, माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर RDD कैलकुलेट करना, RDD कैलकुलेट करने के बाद डेटर से माइनस करोगे RDD को और दूसरा इफेक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में न्यू RDD में जाके लिखोगे। कहाँ पर जाके लिखोगे, न्यू RDD में जाके लिखोगे, तो लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, चार्ट में न्यू बैड डेब्ट्स न्यू RDD, एडजस्टमेंट न्यू होता है, ट्रायल बैलेंस ओल्ड होता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में,
असेट में। तो इससे हमारा अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 भी फिनिश हुआ। आई होप सबको समझा है। किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो या मुझसे कॉन्टैक्ट करो। मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे और भी अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, डेली मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं डालता हूँ। अगर तुमको देखने में इंटरेस्टेड है, मोटिवेटेड रहना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, अपने गोल्स को फुलफिल करना है, अचीव करना है, तो मेरे साथ जुड़े रहो। थैंक यू।